आफ्टर 25 हमारी बॉडी में कोलेजन बनाने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिस वजह से हमें रिंकल्स, फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, सैगी स्किन, पिगमेंटेशन और एक्ने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स और एक सॉल्यूशन, दैट इज रेटिनोल। यस, पर क्या रेटिनोल हर तरह के स्किन टाइप को सूट करता है? क्या रेटिनोल हमें 25 से पहले या 25 के बाद स्टार्ट करना चाहिए? और क्या रेटिनोल को हम घर पर बना सकते हैं? एवरीथिंग अबाउट रेटिनोल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो DIY, जिसमें एक होगा फेस मास्क और एक होगा फेस सीरम, साथ में एक रेसिपी जो इंटरनली आपकी बॉडी में कोलेजन को बूस्ट करने में हेल्प करेगी और आपकी स्किन इंटरनली और एक्सटर्नली हील करेगी। पर क्या हम रेटिनोल को घर पर बना सकते हैं? Yes, इसका आंसर मैं आपको पहले ही दे दूंगी, क्योंकि रेटिनोल विटामिन ए की ही एक फॉर्म है, तो हम इसे घर पर बहुत इजीली बना सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ स्टेल म्यूसिन एंड रेटिनोल के बारे में। यू नो एवरी इन्फ्लुएंसर इज लिटरली रिकमेंडिंग कि आप स्नेल म्यूसिन यूज़ करिए, रेटिनोल यूज़ करिए, पर अगर आप इनके प्राइसेस देखेंगे ना, सुपर 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 एक्सपेंसिव। पर ज़रूरी नहीं है कि जो केमिकल मुझे सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे। एंड आपको अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है लाइक पिगमेंटेशन या सैगी स्किन की, तो आप एक टाइम के लिए सोच भी लेते हैं कि चलो यार एक्सपेंसिव है तो ले लेते हैं एक बार के लिए, क्या पता अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएं। बट अगर वो केमिकल आपको सूट नहीं किया तो आपका पैसा भी गया। और केमिकल्स के साथ ऐसा नहीं है कि अगर ठीक है अगर आपको वो सूट नहीं किया तो क्या ही हो जाएगा, वो आपको लिटरली रिएक्शन देगा, आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, आपका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप लाइक ऐसे ही बिना सोचे समझे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं अपनी स्किन के साथ। DIY रेमेडीज़ का क्या होता है, आप करो, अगर नहीं रिजल्ट्स मिल रहे तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। सो बेस्ट वे इज़ कि आप पहले पढ़िए, समझिए कि किस स्किन टाइप को वो सूट करता है और किसको नहीं। अगर मैं रेटिनोल की बात करूँ तो रेटिनोल ओल्डेस्ट इंग्रेडिएंट है जिसपे अभी तक लाइक मैक्सिमम स्टडीज़ हुई है कि ये लिटरली एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, हमारी सैगी स्किन, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और जिनको भी लाइक बहुत ऐसे बल्जी सी होगी ना, लाइक सैगी होगी स्किन या रिंकल्स या फाइन लाइंस आ गए, उनको हील करने में हेल्प करता है। ये हमारे डेड सेल्स को रिमूव करके न्यू सेल्स जनरेट करने में हेल्प करता है। बट ये सबको सूट नहीं करता जिनकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है। अगर वो लोग अपने लिए रेटिनोल का यूज़ कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा इरिटेशन, स्किन फ्लेक्स आ सकते हैं, उनको और ज़्यादा उनका एक्ने और उनका जो प्रॉब्लम है वो वर्स्ट हो सकता है। तो वो लोग रेटिनोल का यूज़ ना करके स्नेल म्यूसिन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पेप्टाइड्स हैं। और जिनका एक्ने और ऑयली स्किन है उनके लिए रेटिनोल इज़ जस्ट मैजिक, उनके लिए ये बेस्ट वर्क करता है। तो अपने दिमाग में एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनका ऑयली एंड एक्ने वाला स्किन है वो लोग रेटिनोल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले रेटिनोल यूज़ ना करें। और अगर करें भी तो अपने लिए एक बार पहले पैच टेस्ट ले लें कि एक्चुअली रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि कईयों का स्किन कॉम्बिनेशन होता है तो वो उनको कई बार समटाइम सूट कर जाता है, बट नॉट विद एवरी ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन रेटिनोल गोस। तो इस तरह से आपने अपने लिए सिलेक्ट करना है जो लोग DIY रेमेडीज़ नहीं कर सकते, इतना टाइम जिनके पास नहीं है। बट जो लोग DIY रेमेडीज कर सकते हैं वो अपने लिए घर पर बना हुआ रेटिनोल यूज करिए। भाई घर पर बना सकते हैं क्योंकि विटामिन ए का ही फॉर्म है, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, कोजिक एसिड हो गया, नाइसिनमाइड हो गया, ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली हमारे खाने में हैं ऑलरेडी, बस उनको हमने केमिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना के वो जल्दी रिजल्ट्स देती है, बस इतना सा फ़र्क है। और DIY रेमेडी क्योंकि डाइल्यूटेड होती है तो वो थोड़ा सा लेट रिजल्ट देती है। तो चलिए जानते हैं पहले सीरम और मास्क कैसे बनाना है, उसके बाद मैं आपको एक रेसिपी भी एंड में शेयर करूँगी जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड कर लेंगे, बस एक बार खा लीजिए, लाइक एक दिन छोड़ कर खा लीजिए, तो आपको रिजल्ट्स तो बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बनाएंगे सीरम। एंड इस सीरम की प्रिपरेशन के लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन एंड फिश ऑयल
कैप्सूल्स। फिश ऑयल के लिए जो कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि हल्का स्मेल आता है, वो विटामिन ई ऑयल ले सकते हैं। दोनों ने सेम ही काम करना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि मेरे पास विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स यहाँ पर नहीं अवेलेबल थे, इसलिए मैंने फ़िश ऑयल का यूज़ कर लिया। तो एलोवेरा जेल भी आप यहाँ पर लेंगे जो मार्केट बेस है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें कोई फ्रेगनेंस ना हो। यहाँ मैं पतंजलि वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट नेचुरल एलोवेरा जेल ना ही यूज़ करें क्योंकि वो उतना अच्छा से ना वो सीरम वाला कंसिस्टेंसी नहीं देगा और हो सकता है वो जल्दी ख़राब भी हो जाए। तो एक बड़ा चम्मच मैंने लिया एलोवेरा जेल, इक्वल अमाउंट में लिया ग्लिसरीन एंड लास्ट में एक फ़िश ऑयल कैप्सूल मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड मैंने तो इसको एक सीरम वाले बॉटल में ही ट्रांसफ़र करके रख लिया। एंड इसके बाद जो मैं मास्क बता रही हूँ ना, उस मास्क के बाद आपने इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ आप नाइट टाइम में ही करेंगे, मॉर्निंग में नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लाइक जैसे सीरम थोड़े से चिपचिपे होते हैं ना, ये हल्का सा वैसा होगा। रात को आपने इसे लगाना है एंड मॉर्निंग में अच्छे से किसी माइल्ड फेस वॉश से क्लीन कर देना है। एंड ट्रस्ट मी, इसको लगाने के बाद जो आपको फील होगा ना, ऐसे गर्माहट सी फील होगी फेस पे। तो मेक श्योर कि सोने से जैसे एक घंटा पहले आप लगा लीजिए। कई लोग चिपचिप फेस पे कंफर्टेबल नहीं होते नाइट टाइम पे, तो आप सोने से एक दो घंटा पहले या जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पे लगा के छोड़ दीजिए एक से डेढ़ घंटा। एंड उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से या फेस वॉश से रिमूव कर दीजिए। तो सेकेंड रेमेडी, यहाँ पर हम बनाएंगे एक फेस मास्क जो कि आप पहले लगाएंगे उसके बाद सीरम लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है प्लेन ओट्स जिसको ग्राइंड कर लिया है, मसाला वाला नहीं लेना है। एंड इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 स्पून मिल्क के। अगर आपके पास हनी है तो मेक श्योर कि आप हनी को अवॉइड ना करें, बट अगर नहीं है तो भी चलेगा। क्योंकि मैं दिन के टाइम वीडियो शूट कर रही थी तो दिन में ना इतनी गर्मी ऑलरेडी होती है और वो चिपचिप हनी नहीं टॉलरेट हो पाता। लेकिन अगर शाम के टाइम आप ये रेमेडी अपने लिए करेंगे ना, तो इसके अलग ही रिजल्ट्स मिलेंगे। मेक श्योर आप जब फेस मास्क लगाए उससे पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर ले किसी भी फेस वॉश से, क्योंकि अगर आप डर्ट के ऊपर कोई भी फेस मास्क लगाते हैं ना, तो डर्ट वो अंदर ही हमारे पोर्स में चला जाता है। और अगर इसमें आपने हनी ऐड किया तब तो आपको और बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरी नेचुरल स्किन है, ठीक है, जिस पे कोई क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगा है, बस नॉर्मल लाइट में मैं बैठी हूँ। क्योंकि रिसेंटली मेरे चैनल पे एक कमेंट आया था कि हाउ मच मेकअप यू हैव पुट ऑन। तो भाई मेकअप तो मैं क्या ही करती हूँ, लाइक लिटरली थोड़ा क्रीम लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया। अब अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल ना। अब मैं ऐसे ही मुंह उठा के वहाँ पर बैठ जाऊँगी तो कौन ही वीडियो देखेगा, वो अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें प्रोफेशनल होती हैं और वो प्रोफेशनल वे में ही अच्छी लगती हैं। तो अभी जैसे मैं मास्क लगा रही हूँ, अभी तो कोई क्रीम पाउडर कुछ मैंने अपने मुंह पे नहीं लगाया है, तो ये मेरी नेचुरल स्किन है और मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन हम थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए अगर थोड़ा बहुत लिपस्टिक काजल लगा भी ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एवरी स्किन टोन इज़ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। इट्स जस्ट दैट कि हमें अपने आप को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि दाग धब्बे तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ज़्यादा पसंद है अपने फेस पे। तो अगर वो रिमूव हो सकते हैं तो वाई नॉट, और अगर आप मेकअप लगा कर और खूबसूरत दिख सकते हैं तो वाई नॉट। मतलब एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट, इट्स योर चॉइस ओनली। तो बस लोगों का तो काम है कहना, तुम बस अपनी धुन में चलते रहना। नाइट टाइम पे अगर आप इस मास्क को लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 5 to 10 मिनट्स तक आप इसको अपने फेस पे रहने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पानी स्प्लैश करिए एंड फिर थोड़ी देर के लिए और रहने दीजिए एंड उसके बाद किसी भी नॉर्मल वाटर से अपना फेस क्लीन कर लीजिए। तो एक्सटर्नली तो हमने हमारी स्किन को ग्लो प्रोवाइड कर दिया, अभी इंटरनली भी हील करते हैं। हम चाहे कोई भी स्किन केयर हेयर केयर रूटीन फॉलो कर ले, अगर हमारे डाइट में प्रॉब्लम है ना तो कोई भी चीज़ हमें हेल्प नहीं कर सकती। तो अपनी डाइट पे भी आपने ध्यान देना है, स्पेशली ब्रेकफास्ट और डिनर अच्छा करना है। ब्रेकफास्ट हैवी और डिनर लाइट, और 5 बजे से पहले डिनर कर लिया जाए तब तो और ही बेस्ट रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं प्लेन ओट्स एंड उसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच चिया सीड्स एंड मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है।
उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क, मैंने आधा ग्लास मिल्क लिया है और आधा वाटर लिया है। मिल्क को थोड़ा सा डाइल्यूट करके पीना हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। एंड उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से रेजिन्स, एंड ओवरनाइट आप इसको फ्रिज में रख लीजिए। एंड मॉर्निंग टाइम में आप इसमें ऐड करेंगे पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, और अगर आप कोई और सीड्स खाते हैं लाइक आलमंड्स या कोई भी, लाइक इट्स ऑल अप टू यू, दीज ऑल आर जस्ट गुड फॉर आर हेल्थ एंड आर स्किन, हेयर, फॉर एवरीथिंग। एंड आप इसको मॉर्निंग टाइम में कंज्यूम करिए, ये इतना टेस्टी होता है ना। आप इसको, अगर आपको मीठा कम लगे, मुझे एक्चुअली जो रेजिन्स डाले हैं इसके बाद मेरे को मीठा कम नहीं लगता है, बट फिर भी अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना टेस्टी बनता है ना, दिस इज़ अमेजिंग अमेजिंग, ऐसे पुडिंग, चिया पुडिंग आप इसको कह सकते हैं, ओट्स एंड चिया पुडिंग। एंड ये मैंने यहाँ पर थोड़े से पम्पकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स साइड में रख लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखे हैं। मॉर्निंग टाइम में मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे खाऊँगी। ही था आज का DIY और रेसिपी, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड प्लीज वीडियो को थोड़ा सा सुन लीजिए, मतलब लाइक थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है आप फटाफट से रेमेडी देखते हैं और फटाफट से करना शुरू कर देते हैं। एंड यू नो, हर एक रेमेडी और हर एक केमिकल हर किसी के लिए नहीं होता, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, पर प्लीज़ इसको पूरा सुन लीजिए एंड उसके बाद अपने लिए करिए, और उसके बाद रिजल्ट्स ना मिले तो चैनल को उधर ही अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन stay safe, stay healthy, every skin tone is perfect, love your skin tone, love yourself and keep shining and smiling. Bye bye.